Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Why an 8 Health. दोस्तों, सर्दी के मौसम में मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। इसमें लगभग वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं। मूंगफली में सेहत का खजाना छिपा हुआ होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी कारण से दूध नहीं पी पाते हैं, तो यकीन मानिए मूंगफली का सेवन आपके लिए बेहतर विकल्प है। आइए जानते हैं मूंगफली खाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, दोस्तों मूंगफली की तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों में आपके शरीर को गर्माहट देती है, इसलिए आप इन दिनों मूंगफली का सेवन जरूर करें। नंबर दो, मूंगफली के सेवन से स्किन को पोषण मिलता है। ये स्किन के टॉक्सिस को बाहर निकाल कर स्किन के पीएच का संतुलन बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हमारी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। नंबर तीन, मूंगफली को हेयर के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। सर्दियों में ये ड्राई हेयर के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, इसलिए आप इसका सेवन जरूर करें। नंबर चार, अल्जाइमर रोग होने पर व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित होती है, ऐसे में मूंगफली फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर पाँच, मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी मूंगफली का सेवन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलती है। मूंगफली का घर पर बटर बनाकर भी खाया जाए तो इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। नंबर छह, रात में मूंगफली खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही वजन भी कंट्रोल होता है। नंबर सात, चलिए अब जानते हैं क्यों खाई जाती है मूंगफली। दोस्तों, सर्दियों में मूंगफली को ज्यादा खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये किसी दवा से कम नहीं होती। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी पाए जाते हैं, इसलिए सर्दियों में इसका खाना सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे वजन को कम करने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बादाम जितने ही पोषक तत्व होते हैं, ये हमें सर्दियों की कई समस्याओं से बचाता है। आप एक दिन में 40 ग्राम यानी कि करीब एक मुट्ठी मूंगफली खा सकते हैं। इससे फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों का ही लेवल कम होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।